उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स कंटिन्यूसली दे रहे होंगे और उनको उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवोकैडोस नंबर को डिस्कस किया था, आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और उसको रिलेट करेंगे मोल्स के साथ। मोल जो है ये एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, और ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम पार्टिकल्स की तादाद जो है उसको इक्वलाइज करते हैं मोल। हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट के फॉर्म में होते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो जितने भी हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है उनकी तादाद हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि मोल बेसिकली है क्या चीज़। मोल जो है ये एक वर्ड है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोल जो है ये पिगमेंटेड स्पॉट को भी कहते हैं, जैसे तिल जो है। मोल जो है ये चुकंदर को भी कहा जाता है जो कि एक इंसेक्ट है। मोल जो है इसका यहाँ पे जो मीनिंग हम ले रहे हैं वो है हीप और पाइल, यानी एक ढेर होता है ये पार्टिकल्स का, ठीक है। तो मोल जो है इज अ यूनिट यूज इन केमिस्ट्री दैट इज इक्वल टू एवोकैडोस नंबर। अब एवोकैडोस नंबर हमने पढ़े थे 6.022 × 10⁻²³। इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम किसी सब्सटेंस का कहते हैं कि 1 मोल है, तो इट मीन्स कि हमारे पास उसके अंदर 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर करते हैं। हमारे पास शुगर है, हमारे पास मीट है, हमारे पास पल्सेस हैं, उनको हम ग्राम्स और किलोग्राम्स के यूनिट्स में मेजर करते हैं। हम जब पेपर लेने जाते हैं, शीट्स लेने जाते हैं पेपर की, तो हम उन्हें रिम की यूनिट में जो है मेजर करते हैं। जो मजदूर वगैरह होते हैं वो इंचों को जब मेजर करते हैं तो सेकंड के हिसाब से करते हैं, यानी हंड्रेड्स के हिसाब से करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम डजन्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्स हैं, तो एग्स को हम बाय नंबर लेते हैं, नॉट बाय मास, ठीक है। इसी तरह बनानास हैं, ऑरेंजेस हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डजन के हिसाब से लेते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में हमारे पास जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम किस यूनिट में लेते हैं, हम उनको मोल की यूनिट में लेते हैं। अब जिस तरह डजन में हमारे पास एग्स भी हो सकते हैं, बनानास भी हो सकते हैं, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, इसी तरीके से मोल में हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम देखें इसको किस तरह से हम रिलेट करेंगे कि 6.022 × 10⁻²³ हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अब ये 1 मोल में किस तरह से प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है जब हम इसका 1 मोल लेते हैं तो उसका मास हमारे पास आता है 1.008 ग्राम्स, ठीक है। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू किस तरह से आई है, आप देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन के एक एटम का मास जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो वो है हमारे पास 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, एक एटम जो हाइड्रोजन का है उसका मास है, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 1 ग्राम हो हाइड्रोजन का तो उसमें कितने एटम्स आएंगे, 1 / 1.67 × 10⁻²⁴ एटम्स आएंगे। लेकिन हमारे पास उसका मास कितना है, 1.008 ग्राम। तो 1.008 ग्राम जो है इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स आएंगे, 1.008 ÷ 1.008 × 1.67 × 10⁻²⁴ एटम्स आ जाएंगे। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। इट मींस कि जब हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उस उतनी अमाउंट ऑफ ग्राम्स में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एवोकैडोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कार्बन है। कार्बन का जो एक एटम है हमारे पास उसका मास है 12 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास वन
1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम है एक हाइड्रोजन एटम का मास, जबकि कार्बन का मास हाइड्रोजन एटम से 12 टाइम्स क्या है ग्रेटर है। इट मींस कि उसके एक एटम का मास भी हाइड्रोजन के एक एटम से 12 टाइम क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम वन कार्बन एटम का मास होगा। तो अगर आपके पास एक कार्बन एटम का इतना मास है, ठीक है, तो 1 ग्राम जो मास होगा उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, आप वन को इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारे पास जो कार्बन का मास है वो कितना है 12 ग्राम, क्योंकि जब हम उसके एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 12 ग्राम आएगा। तो 12 ग्राम इसके इक्वल होगा फिर 12 / 1.67 × 10⁻²⁴। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी एटम है, चाहे वो कार्बन एटम है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, जब उनके एटॉमिक मैसेज को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे और उन ग्राम्स के हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आएंगे। सो दिस एवोगैड्रोस नंबर जो है इसको हम मोल भी कहते हैं, कि जब भी हम 1 मोल की बात करते हैं किसी भी एटम के उसमें हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स यहाँ पे हमने एटम्स की टर्म्स में निकाले, इसी तरह मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में आते हैं, इसी तरह फार्मूलाज यूनिट्स और आयंस की टर्म्स में भी हमारे पास आते हैं। सो यहाँ पर मोल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि द मोल इज अ यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप कार्बन 12। अब आप देखें कार्बन 12 का जो हमने आइसोटोप लिया उसका मास है 12 ग्राम और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए हैं वो 6.022 × 10⁻²³ है, जो कि 1 मोल के क्या है इक्वल है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है 1 मोल कहा जाता है, या ये वो क्वांटिटी होती है 1 मोल जिसमें 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोल बेसिकली हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स और उनके मैसेज के बारे में। यहाँ पे आप देखें हमारे पास मैस है 12 ग्राम और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं 6.022 × 10⁻²³ आए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसी मोल से रिलेटेड हमारे पास चीज है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। सबसे पहले है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो है इसको हम सिंपली ग्राम एटम या हम इसको मोल भी कह सकते हैं, ठीक है, और मोल को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ यूनिट जब लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। इट मींस कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास जब ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा तो वो उसका क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास है 1.008 AMU, जब हम इसको इक्वलाइज करेंगे ग्राम्स में, इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में 1.008 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा या ग्राम एटम, या सिंपली ये इसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल में हमेशा हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं या जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एक एटम जो है उसका मास है 23 AMU, जब हम इस मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम्स में ये हो जाएगा 23 ग्राम, और जब ये ग्राम में एक्सप्रेस होगा उसके बाद ये किसके इक्विलाइज होगा, ये 1 मोल के इक्विलाइज हो जाएगा। और 1 मोल में कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ सोडियम जो है वो प्रेजेंट होगी। सिमिलरली हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, और जब हम इस मास को ग्राम्स के इक्वल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मोल या ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम।
और इसमें भी कितने कार्बन एटम होंगे, 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या मोल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? इसका हमारे पास फॉर्मूला है ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, इस फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी एटम के ग्राम एटम या उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उसका मास जो है वो गिवन है और आपको उसका एटॉमिक मास जो है वो पता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं या इसको भी सिंपली मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल की। अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और दो एटम्स का मास होगा 32 kg। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा या ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली मोल्स हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ये उसका मास है 32 kg। जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये इक्वल होगा किसके, 1 mole। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ये एटम नहीं है, ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इसके 1 mole में 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो। सिमिलरली हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वाटर का एटॉमिक मास है 18 AmU, दो हाइड्रोजन का और 16 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, ऐड करेंगे तो 18 AmU। जब इस मॉलिक्यूल का मास हम क्या करेंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे 18 ग्राम, तो ये बन जाएगा 1 mole ऑफ वाटर। और 1 mole ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। जस्ट आप इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे, जिस तरह आप जब भी 1 dozen कोई चीज लेंगे, 1 दर्जन की चीज लेंगे, तो उसमें हमेशा 12 particles होंगे। अब 12 particles बनानास भी हो सकते हैं, एग्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जब भी आप 1 mole लेंगे केमिस्ट्री में, उसमें क्या होंगे पार्टिकल्स, 6.022 × 10^23। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी जो मास आपको गिवन है वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल का मोलर मास। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास जो है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करके उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, हमने पढ़े हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं और एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और जो आयोनिक कंपाउंड का मास होता है उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। तो अगर हमारे पास किसी आयोनिक कंपाउंड का जो मास है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा, या उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, ग्राम फार्मूला, या मजीद सिंपल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास, जिसमें सोडियम और क्लोराइड जो है ये आयन्स होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का है 35.5, तो इनका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 58.5 AmU। जब इस 58.5 AmU को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड का 1 mole बन जाएगा। ठीक है, 1 mole ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और उसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट होंगे सोडियम क्लोराइड के, 6.022 × 10^23 फार्मूला यूनिट्स होंगे उसके। अब आप देखिए, पहले हमने
वन मोल ऑफ एटम को देखा, फिर हमने वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल को देखा, अब हम वन मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट को कहेंगे। आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसको हमेशा फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। क्लोरीन एक का 35.5, तो दो का 71 हो जाएगा। 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारे पास 111। तो 111 AlO इसका फॉर्मूला मैस आ गया। इस फॉर्मूला मैस को जब हम एक्सप्रेस करेंगे इसके अंदर ग्राम्स के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मैस बन जाएगा। और इसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे कैल्शियम क्लोराइड के, कांस्टेंट क्वांटिटी या वन मोल में 6.022 × 10^23, क्योंकि ये इसके इक्वल है वन मोल के। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू मैस ऑफ फार्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट, यानी आयनिक कंपाउंड का मैस जो गिवन है डिवाइडेड बाय उस आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास सिंपल आयन है जैसे सोडियम आयन है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयोनिक मैस हो जाएगा और ये 23 AlU है। और इसको भी जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसके अंदर कितने आयन्स होंगे, ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा और इसके अंदर 6.022 × 10^23 आयन्स हो जाएंगे सोडियम के, ठीक है। और उसका भी फार्मूला सेम इसी तरीके से होगा, ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनमें यूज होने वाले फार्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसकी।